तुमको पिक करके खाना मेरे हाथ से, ठीक है? पिक नाउ, उठा के खाओ। मेरा हाथ भी पकड़ा साथ में थोड़ा सा। सामने लॉयंस केव दिख रहा है हमें, और ये है वाटरफॉल। नीड सम वाटर, टेक इट, इट्स अनयूज्ड एंड फ्रेश। एंड आफ्टर दैट प्लीज आप यू वांट टू ईट सम। स्पॉट है जहाँ तक आपको घोड़े पे ये लोग छोड़ देंगे। 600 रुपये में ये वन साइड चार्ज करते हैं इस जगह तक। स्वागत है आपका, ये है भूटान सीरीज एपिसोड 16 और टाइगर्स नेस्ट का पार्ट 4। हम अभी सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हैं टाइगर्स नेस्ट से और सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र पड़ी अपने एक फर फ्रेंड पर जो हजारों लोगों की भीड़ में एकदम तन्हा अकेला इग्नोर लेटा है। हजारों आंखें हैं लेकिन कोई उसे नहीं देखती। मैं उसके लिए रुका और ये देखिए फिर क्या हुआ। हाय, you must be hungry, you know, take one more. Perfect diet. तुमको पिक करके खाना मेरे हाथ से, ठीक है? पिक नाउ, उठा के खाओ। मेरा हाथ भी पकड़ा साथ में थोड़ा सा, है ना? बस सर पे हाथ रखो। ये यू कैन टच एनी डॉग एनीवेयर, दे डोंट बाइट। इस पूरी हाइक पर ये एक फोर्थ डॉग है जो मुझे मिला। नहीं जानता आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा इन सबको कुछ पल के लिए कुछ खुशियां दे करके। चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ी और सीढ़ियां नीचे उतर के अब पहुंचा हूं एक जगह पर जहां है बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। अब हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल पे। ये ऐसे आता है यहाँ से, थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि मुझे मोटू और पतलू की जोड़ी नजर आई। स्ट्रेंज कैरेक्टर्स हैं। देखिए किस तरह से ये भाई साहब ने पत्थर फेंका, चेहरे पे खुशी कितनी नजर आई, और दूसरा हैरानी से देख रहा है, शायद ये सोचता हुआ ओ शिट इतना दूर पत्थर कैसे फेंक दिया इसने। और उसने कहा देखा देखा कंडीशन ये थी कि वहाँ नहीं फेंकना था, गिरना तो वहाँ पर चाहिए था। पर ये मोटू पतलू की जोड़ी कमाल की है। आपको भी उम्मीद है उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है टैक्सेंग का एंट्री गेट। देखिए किस तरह से लोग यहाँ से निकल के आते हैं और जाते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको लेके जाएंगी मोनेस्ट्री की तरफ। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, ये पुराने टाइम पे एक टिकट काउंटर हुआ करता था, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वहाँ से नज़र आया लॉयंस नेस्ट, लॉयंस केव और खूबसूरत वाटरफॉल जहाँ अभी भी ग्लेशियर के लेफ्ट ओवर्स बाकी है। मार्च का महीना है, देखिए ये है वे टिकट विंडो जो आजकल बंद है, जिसको ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो कुछ और सीढ़ियाँ चढ़िए, और जैसे ही आप लेंगे राइट टर्न सामने दिखेगा आपको सिक्योरिटी चेक। कुछ भी लेकर जाना अलाउड नहीं है,
टाइगर्स नेस्ट बिल्डिंग में आपको अपना सब सामान बाहर छोड़ना होता है, आप खुद ही अंदर जाएंगे। बस ये सिक्योरिटी गेट है, सामने जो काउंटर पे बोर्ड दिख रहा है आपको, उस बोर्ड पर आपको रिजर्वेशन टिकट दिखा करके लॉकर रूम की फैसिलिटी मिल जाती है। अपने बाकी सामान आप यहाँ रखिए जो लॉकर में नहीं रखा जा सकता। सब लोग यहाँ अपने अपने बैग निकाल के, नो वेपन, कैमरा, वीडियो, सेलफोन, ओके, दैट्स नॉट अलाउड। साफ साफ लिखा है, देखिए दोस्तों, वेपन, कैमरा, वीडियो, सेलफोन अलाउड नहीं है, ये डूज एंड डोंट्स है। एक मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है रूल्स। ये देखिए, नो फुटेज ऑफ द टाइगर्स नेस्ट, अंदर नहीं अलाउड है कोई भी फुटेज लेना। और गाइडेड टूर है ये जो आपने 500 रुपये पे किए, इसमें गाइड मिलता है आपको। अब हम वापस निकल आए हैं, अंदर की कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये है वापसी का टाइम, देखिए यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत है। लॉरेंस नेस्ट सामने आपको दिखेगी, वो दिखेगा वाटरफॉल सामने की तरफ लेफ्ट में, और बर्फ दिख रही। ये है वो रास्ता जो नीचे दिख रहा है ये आपको, जिससे आप आए थे, और वहीं से इस पुल को क्रॉस करके आप वापस जाएंगे। लॉयंस केव की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये है मेरे पीछे लॉयंस केव। उनके जो शिष्य थे ना रिनपोचे के, गुरु पद्म संभव, उन्होंने कहते कि यहाँ मेडिटेशन की थी और उन्होंने वहाँ मेडिटेशन, इन पत्थरों से ऊपर चढ़े होंगे या फिर यहाँ कहीं इस जगह से। ये सीढ़ियाँ तो तब नहीं रही होंगी, कौन बनाएगा सीढ़ियाँ उनके लिए, पहली बार आए हैं तो क्राइम किया होगा ट्रैक करके, और तब जाके उनको ये केव मिली यहाँ। फिर वो इस केव में बैठे और कई महीनों तक मेडिटेशन करते रहे। आज उसी जगह पर ये टेंपल बनाया उनका। स्लिपरी है शायद, इसलिए यहाँ एक रस्सी बांधी गई है, और ये वाटर सोर्स भी है, पानी की पाइप नीचे तत्संग में यहीं से जा रही है। तो मैं अभी बढ़ता हुआ एक्चुअल केव की तरफ, देखिए पहुंच गया। उनका एक मंदिर है, तस्वीर यहाँ लगी है, नाम लिखा है तशमखा। और ये है वो केव जहाँ बैठ के उन्होंने मेडिटेशन की। ये है लॉयंस केव जहाँ बैठ करके तभी संभव जी ने मेडिटेशन किया था। आप ये सीधे के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर केव अभी भी मौजूद है, और ये है नज़ारा जहाँ जो उनको दिखता होगा वहाँ बैठ कर या केव देख सकते। लोग उस रास्ते से आते होंगे और तत्संग सत्संग की तरफ जाते होंगे, और वो यहाँ मेडिटेशन करते थे गुरु जी, यानी कि पद्म समूह वो वहाँ मेडिटेशन करते थे। और ये एक झरना है जो ऊपर से बह रहा है, और ये जो पानी गिर रहा है इस पहाड़ के बीच में से, ये वहीं से ऐसे कुछ जगह पर तो मेडिटेशन अपने आप हो गया करने की तो जरूरत होती है। वैसे भी मेडिटेशन में हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन। वापसी का टाइम है, 2 बजने वाले हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ तक का ट्रैक करने का, तो वापसी करते हैं। ये उतरना बड़ा मुश्किल है, इतना ही है कि आप पाँव अगर सीधा रखोगे ना तो बाहर जाएगा, और उतरा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा घुमा करके, पर इतनी छोटी सीढ़ियों पे उतरना। निकल रहा हूँ, मौसम बढ़िया है, खुशनुमा जिसे कहते हैं हमारी भाषा में।
गूंज सुनो आप, यहाँ मुझे बिल्कुल हवा नहीं लग रही है, लेकिन वहाँ देखो कितनी हवा इस वक्त, पेड़ कितना तेज हो रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई तूफान चला हो। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एक टनल की तरह काम कर रहा है, हवा यहाँ ऐसे आती है और ऊपर निकलती है, या फिर ऊपर से आती है और नीचे की तरफ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये है पार्ट 5, एपिसोड नंबर 17। ये है नज़ारा, देखिए किस तरह से लोगों के चेहरे पे खुशी और पीस दिखती है बाहर आते हुए, रिटर्न करते हुए। ये वो जगह है जहाँ आप देख रहे हैं सिक्योरिटी चेक और अपना सामान आप किस तरह से छोड़ के जाते हैं। ये वो जगह जहाँ तक आपको घोड़े ड्रॉप करते हैं, और ये है लायंस केव इसके अंदर। और थोड़ा सा ही देखिए, ये पहली बार आप शायद देख रहे होंगे उस केव का केक का नज़ारा। ये है देखिए नेकलेस शेप का रास्ता जिससे आप वापस आते हैं। ये रूल्स लिखे हैं जो फोटोग्राफी और वीडियो से रिलेटेड हैं, डूज एंड डोंट्स है। पॉज करिए और देखिए। थैंक यू सॉरी।